गर्मियों के मौसम को लेकर एक तरफ जहां जल शक्ति विभाग साफ पानी व सफाई व्यवस्था की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सजग हो गया है। गर्मियों में पानी की वजह से कोई रोग न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। बिलासपुर में आए दिनों जहां तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है, वहीं अब छोटे बच्चों में डायरिया, टाइफाइड, हैजा के मामले ज्यादा बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर MOH डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि जल जनित बीमारियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के साथ बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा डॉक्टर परविंदर सिंह ने, आइए सुनिए। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का प्रकोप पूरे देश के साथ साथ जिला बिलासपुर में भी काफी ज्यादा है, और ऐसे गर्मियों के मौसम में मेनली जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायरिया, डायसेंट्री होती है या आंत्रशोथ की प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम है बिलासपुर में भी नेचुरली बाकी देश के बाकी जिलों के साथ साथ हमारे जिला में भी ये प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन इस मौसम में इस बीमारियों से बचने के लिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरिया डायसेंट्री क्यों होता है, क्योंकि इसके मेन जो कारण है, एक तो हम दूषित पानी पीते हैं, जहाँ साफ पानी ना पिए तब होगा, दूसरा यहाँ जो फल फ्रूट खाते हैं वो ज्यादा पके हुए हों, या घर में जो खाना होता है वो पुराना पड़ा हुआ होता है वो बच्चे खा लेते हैं, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी ये प्रॉब्लम हो तो इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, और डॉक्टर को चेक कराते समय दवाई लेनी चाहिए। लेकिन इसमें मेन ख्याल आपने ये रखना है कि घर में भी अगर किसी बच्चे को उल्टियां हैं, दस्त हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीता रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घर में आप ORS का पैकेट रखें। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे को 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोल के दें और वो 24 घंटे तक उस पानी को ही पिलाएं, और इस ORS वाले पानी के साथ साथ आप और जो फ्लूड्स हैं, चाहे वो जितने भी कोई जूस हैं या कोई लस्सी है, ऐसी चीजें भी दे सकते हैं, दही को दही में पानी डाल के भी बच्चों को दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि पानी वाली चीजें ज्यादा देनी है, तरल पदार्थ बच्चों को ज्यादा देने हैं, उससे बच्चे जो हैं वो ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपके बच्चे में उस समय उनकी स्किन लूज पड़ रही है, आंखें अंदर को धस रही हैं, अगर ऐसा नजर आता है तो ये डेंजर साइंस होते हैं, उनको बच्चों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि दो चीजें सबसे जरूरी हैं, कि जो पानी है वो दूषित ना हो, तो उससे उसको साफ करने के लिए या तो हम क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं या पानी उबाल के ठंडा करें फिर बच्चों को पिलाएं, तो उससे बच्चे बीमारियों से बचे रहेंगे। और पुराना खाना, बासी खाना बिल्कुल ना दें, और जो फ्रूट वगैरह भी देते हैं वो भी ज्यादा पके हुए ना हों, और बाहर से दुकानों से या बाजार में अवॉइड करें कि इन दिनों में जाके वो कोई चीजें खाएं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।